support each other and will continue our work on the ground. The UAE Red Crescent with the support of His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed and the my brother Hamoud Al-Janabi and his team. का मरहला है कि जिसमें लोगों के घर गिर गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, या जो जिनकी फसलें तबाह हुई हैं और कारोबार मुतासिर हुए हैं, उन सब की भी मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी भी जब ये एरियल व्यू कर रहे थे तो हिज हाइनेस शेख हमदान बिन जैद इनके साथ रابطे में थे और वो इनको सारी सूरत हाल, जो इतना बड़ा नुकसान है और ये जो इस वक्त इस कैटास्ट्रोफी से हम लोग गुजर रहे हैं, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है और मेरा पूरा सिंध डूब गया है। अस्सलाम वालेकुम, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ असमा आसिफ। नवाब शाह से रिपोर्ट कर रहे हैं अकरम शहजाद। नवाब शाह में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद अल ज़ैबी और कौंसल जनरल बकियत अतीक अल रोमाथी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। वली अहद शेख जैद की हिदायत पर सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के नुकसान का जायजा लेने आए हैं। नवाब शाह एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद अल ज़ैबी कौंसल जनरल बकीद अतीक अल रोमाथी का कहना था कि मतजद्दा अरब अमारात के वली अहद शेख जैदी और शेख हमदान बिन जैद की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने आए हैं। आज 6 अजला का फिजाई मुआयना किया गया है। बारिशों ने सिंध में तबाही मचा दी है। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से रिपोर्ट वली अहद को पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के साथ है। इमदादी कार्रवाइयाँ पहले ही जारी हैं। मुतासरीन में टेंट, राशन और अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं और मजीद इमदादी सामान भी पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि वली अहद की खास हिदायत पर हिलाल अहमर मुत्तहिदा अरब अमारात के इंचार्ज महमूद अल ज़ैबी आए हैं।